स्टार्ट करते हैं अब ये क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, और अगर इसे आरएस अग्रवाल के हिसाब से देखा जाए तो ये एक्सरसाइज 3D का एग्जांपल नंबर 7 है। दोनों सेम है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये पूछ रहा है कि ए और बी के किस वैल्यू के लिए ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो तुरंत इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का कंडीशन हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है कंडीशन। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ये होना चाहिए। अब ये अगर है तो अब a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों बराबर होता है तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तो अब a1 by a2 क्या है, 2 by a-b है, इज इक्वल टू b1 क्या है 3, b2 क्या है a+b, क्योंकि y के कोफिशिएंट को बोलेंगे। c1 है आपका 7 और c2 है आपका 3a+b-2, ठीक है। अब ये तीनों ही बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, सबसे पहले हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, वहाँ से ए बी में एक कंडीशन आएगा, फिर हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे उसमें भी ए और बी में एक कंडीशन आएगा, फिर दोनों कंडीशन का यूज करके हम ए और बी निकाल लेंगे। तो नाउ सॉल्व 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, क्योंकि इसको बराबर लिख के काम करना है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ए प्लस बी का 2 में गुना होगा और 3 का ए माइनस बी में होगा। तो चलो पहले इसी का गुना कर लेते हैं। तो 3a-3b इज इक्वल टू 2a और प्लस 2b हो गया। अब a को इधर खींच लीजिए तो 2a इधर आएगा, तो 3a प्लस में और 2a माइनस में आएगा तो a हो जाएगा। 3b को आप बराबर के उधर भेज लो तो 3b हो जाएगा उधर जाके प्लस 3b और 2b पहले से, तो ये 5b। ये आपको याद रहना चाहिए कि ये हमारा आया हुआ है। नाउ सॉल्व 2 एंड 3, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। तो पहला बराबर होने के लिए a बराबर 5b होना चाहिए। अब दूसरा तीसरा करते हैं, फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 3 3 9a, फिर आपका हो जाएगा 3b और माइनस 6। तो प्लस 3b और माइनस 6 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a और प्लस 7b, 7a और प्लस 7b। चलिए अब 7a को इधर खींचते हैं तो ये 9a माइनस 7a, और बी को भी खींच लो तो ये प्लस 3b है। तो चलो ना डायरेक्ट घटा लेते हैं, क्या अब बच्चों वाली काम थोड़ी करनी है। 9a पहले से इधर है, जब 7a इधर आएगा तो घटेगा, तो ये बचेगा 2a प्लस नहीं बल्कि माइनस में होगा 3b। क्यों? क्योंकि इधर प्लस 3b है, उधर से आएगा माइनस 7b, तो माइनस 7b आएगा तो माइनस 4b बचेगा, और आप बराबर के उधर 6 को भेज दो, प्लस माइनस है ना, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, a का वैल्यू आपका 5b है, तो 2 इंटू a है तो a का वैल्यू आपको 5b डालना है। माइनस 4b इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 5 × 10b माइनस 4b इजक्वल टू 6। तो ये हो गया कितना, 10 में से 4 गया 6b बराबर 6। तो इसका मतलब b का वैल्यू 1 आया, क्योंकि 6 उधर जाके कट जाएगा। अब b का वैल्यू अगर 1 आया तो a का वैल्यू तो 5b के बराबर है। तो नाउ a इसलिए लिख दोगे, इसलिए a बराबर 5 × b, दिस इम्प्लाई 5 × 1, दिस इम्प्लाई 5। यानी कि आपसे a और b पूछा था तो a का वैल्यू 5 हो गया और b का वैल्यू 1 हो गया, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो यही a और b के लिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कंटेन करेगा, अगर a का वैल्यू 5 रखोगे और b का वैल्यू 1 रखोगे।
ठीक है ना, तो प्रिंट कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं।